दोस्तों, ये एक ऐसा मिश्रण है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे बालों का डैंड्रफ, पुराने से पुराना सूखा डैंड्रफ या गीला डैंड्रफ, दोनों ही ड्राइनेस ठीक होती है। सिर में अगर किसी सोराइसिस जैसी कोई समस्या है वो भी ठीक होती है। इससे बालों को नरिशमेंट मिलता है और साथ ही साथ आपके बाल की जो लंबाई होती है वो जड़ों से बढ़ती है, तो जड़ों को इस तरह से वो मजबूत बनाएगा कि आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये मिश्रण किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपने लगाना है। क्या आपने कभी सुना है कि हेयर मास्क जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हेयर स्क्रब भी होता है? आपको पता है इस होम रेमेडी के पीछे का जो एक्चुअल जो रीजन है वो क्या है? एक्चुअली जब हम होम रेमेडी का इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं तो उससे बालों को नरिशमेंट मिलता है, बालों की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ठीक करते हैं। आपका बार बार प्रश्न आ रहा था कि बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, हम क्या करते हैं, हम एंड से लेके तब हम शुरू पे जाते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाती है ना तब हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। दोस्तों, आज की होम रेमेडी है, इसका इस्तेमाल आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है, बेनिफिशियल है। छोटे बच्चों को अगर लगाना है तो महीने में एक बार लगाएं, बालों की बहुत ज्यादा समस्या नहीं है तो 15 दिन में एक बार लगाएं। बालों की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर वो समस्या चाहे बाल झड़ने की हो, चाहे गंजेपन की हो, चाहे रफ हो बाल आपके, चाहे समय से पहले सफेद हो रहे हो, स्प्लिट एंड्स यानी दो मुहे हो बाल, या बाल बेजान, सारी समस्याएं अगर आपको हैं और एक साथ हैं तब आपने हफ्ते में 2 बार नहीं तो 5 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करना है। दोस्तों, ये एक इतना बेहतरीन स्क्रब है, ये एक्यूप्रेशर भी करेगा आपके स्कैल्प को और साथ ही साथ स्कैल्प से जड़ों से बालों को मजबूत बनाएगा जिससे बालों की लंबाई बढ़ती है। सबको पता है जो बाल जड़ों से मजबूत होते हैं वो ही लंबे घने और मुलायम होते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और होम रेमेडी देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे प्यारे प्यारे सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन के जरिए कि मैं किस तरह से आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपके लिए 3 बेहतरीन टिप्स भी होती हैं दोस्तों। और वैसे भी वीडियो पूरा ही देखा कीजिए क्योंकि जब भी हम कोई होम रेमेडी बनाते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स ट्रिक्स के साथ साथ होम रेमेडी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी होती है। चलिए अब फाइनली हम होम रेमेडी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल। दोस्तों, कोकोनट ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उस वो ही लीजिए। मैंने ये पैराशूट कोकोनट ऑयल लिया है। दूसरे इंग्रेडिएंट की आपको आवश्यकता है वो है नीम पाउडर। दोस्तों, नीम पाउडर जो हमारे शरीर में अशुद्धियां होती हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। नीम पाउडर को अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तब भी जो भी कील मुहासे या उनके जो दाग होते हैं, फुंसी फोड़ा जो होता है, नीम से बहुत जल्दी ठीक होता है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि नीम पत्तियों का उपयोग आप अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए किस तरह से कर सकते हैं और त्वचा पे किस तरह से आपको लगाना चाहिए, बहुत जल्द वो भी वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा मुलेठी पाउडर। दोस्तों, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है, लिंक जिस भी किसी चीज का आपको चाहिए हो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैंने घर पे बनाया है तो आप ये भी मंगवा सकते हैं क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। सबसे पहले कोकोनट ऑयल आपके बालों की लंबाई के अकॉर्डिंग लेना है आपने। मेरे बालों की लंबाई इतनी है तो लगभग 2-3 बड़े चम्मच मैंने ये ले लिया है। आप इसको बना के रख नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि मिश्रण ज्यादा बन जाएगा तो आपने उसको रख लेना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ना, ये उसी टाइम बन के उसी टाइम लग जाना चाहिए। एक चम्मच नीम पाउडर हम इसमें मिलाएंगे, एक चम्मच मेथी दाना पाउडर मिलाया है, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाया है। वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि मुलेठी पाउडर हमारे बालों के लिए किस तरह से अच्छा होता है। अभी तक जो हमने वीडियोस देखे हैं, एक्चुअली ये मैंने जब मुलेठी पाउडर के बारे में पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि मुलेठी बालों के लिए भी बेहतरीन होती है। जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं अपनी त्वचा को काले दाग धब्बे हटाने के लिए, ठीक वैसे ही मुलेठी हमारे बालों के लिए भी अच्छी होती है। अगर आप भी मुलेठी के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को सुधारते हैं, हमारी त्वचा को साफ सुथरा करते हैं, और साथ ही साथ बालों को अगर आप लगाएंगे तब भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको ये होम रेमेडी पसंद आई होगी। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे मान लें कि इसके रिजल्ट इतने बेहतर और अच्छे हैं, तो ये देख लीजिए आपके सामने है रिजल्ट। मैं जब भी किसी होम रेमेडी का एप्लीकेशन करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो मैं जेन्युइन रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे जिन चीजों से फायदा होता है। तो आप मेरे बाल देख लीजिए। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया था, मैंने एक फोटो लगाया था, उसमें मेरे इतने छोटे छोटे बाल थे। वो फोटो एग्जैक्ट लॉकडाउन से पहले का है, यानी 2.5 साल पहले का। इतने छोटे बाल थे मेरे और ये मैंने इतने लंबे बाल किए सिर्फ होम रेमेडीज ट्राई कर करके दोस्तों। आई होप कि ये विधि आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी, आपको लाभ भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा इसको ट्राई करके। तो आपने ट्राई जरूर करना है दोस्तों, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देखिए, देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं मिलते हैं। फिर भी आपके प्रश्न है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज का नाम है कुदरत केयर और इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है मोनिका कुदरत। जरूर वहां भी आइए, मिलिए, वहां भी अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं और फेसबुक पे भी नए नए छोटे छोटे वीडियोस होते हैं। मैं आपसे मिलने आऊंगी ऐसी ही छोटी सी होम रेमेडी के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों। बाय बाय।